कैसे सभी दोस्तों, आज हम बनाएंगे बबल एनिमेशन। ये देखो प्यारे से, ये बबल है, ये तो सिर्फ इतने ही है, चार ही है। तो आप यहाँ पर बहुत सारे बबल्स बना के एनिमेटेड एक अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसको इंक्रीज कैसे करना है, कैसे कैसे इसको अलग अलग जगह पे लगाना है, ये सब हम देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हटाओ। सबसे पहले हम लगा देते अपना कोड बेसिक। हमें चाहिए एक बबल, एक हम क्लास ले लेते हैं, डिव को एक क्लास दे देते हैं। इसको क्लास दे दो बबल। और यहाँ पर कितने बबल लगाने हैं आपने? मुझे चाहिए स्पैन टैग के साथ लगाएंगे, चार पहले लगा देते हैं। इसको बंद करो। चार बबल चाहिए, दो तीन चार। फिलहाल इसके ऊपर कोडिंग करेंगे, बाद में इसको इंक्रीज करेंगे जब एक बार बबल बन जाएगा। अब हम चलते हैं सीएसएस की तरफ। हम लगाएंगे इंटरनल सीएसएस, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग भी लगा देते हैं, बॉर्डर बॉक्स। और चलिए ये होगी कोडिंग। यहाँ पे लगाओ बॉडी का कलर वगैरह चेंज कर देते हैं। सबसे पहले लिखो डिस्प्ले फ्लेक्स, तो सारे के सारे बबल्स एक जगह आ जाएंगे। जस्टिफाई कंटेंट हम सेंटर में, चलिए सेंटर में रख देते हैं, बाद में इसको देखेंगे कि अगर हमें सेंटर में नहीं लगाना। अलाइन आइटम भी सेंटर में कर देते हैं, और इसकी हाइट भी लिख दो 100 BH। बैकग्राउंड कलर, कलर ब्लैक रखेंगे लेकिन ये वाला रखेंगे कोड के साथ। ये आ गया कलर। अब बारी आती है बबल बनाना है हमने, तो बबल सबसे पहले इसकी पोजीशन आएगी एब्सोल्यूट। हाइट कितना बड़ा बबल बनाना है? सबसे पहले एक जो बबल बनाएंगे वो बड़ा सा बनाएंगे, तो 200 पिक्सल उसकी हाइट विड्थ रख दो। और इसको एक बॉक्स शेडो लगा देते हैं, बॉक्स शेडो। अब देखो ऐसी शेडो हम लगाएंगे इसके साथ, वो इनसेट, मतलब मैं पिछली वीडियो भी मैंने बताया था इनसेट का मतलब वो बीच की तरफ इसकी शेडो बनती है। ये वाला कलर लगा देते हैं, इसकी ओपेसिटी रख दो इतनी, चेक कर लेते हैं। ये आ गया, ठीक है, सेंटर में आ गया हमारा एक बॉक्स आ गया। किधर गया भाई? अब इसमें एनिमेशन आ रहा है। एनिमेशन लगाने से पहले पहले इसको बिल्कुल सर्कल बना दो, इसका बॉर्डर रेडियस 50%, तो ये पूरा सर्कल में बन जाएगा। ये बन गया का सर्कल। एनिमेशन ऐड करो, एनिमेशन का नाम रखो कोई, मैं एनिमेट रख देती हूँ, कोई भी नाम रख दो। 8 सेकेंड, इजी इन आउट, इनफाइनाइट चलेगा। एनिमेशन पहले लगा देते हैं, चलिए टी फ्रेम्स एनिमेट 0% और 100% पे ट्रांसफॉर्म करो। इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे, ट्रांसलेट करना मतलब मैं यहाँ पे -20 पिक्सल लिख दूंगी तो वो थोड़ा सा ऐसे हिलने लग जाएगा, ठीक है। तो जो बबल्स होते हैं वो एक जगह टिक के नहीं रहते, ये देखो। और 50% पे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट करो वाई एक्सिस से। नहीं सही है, इसको 20 पिक्सल कर दो, -20 20 पिक्सल, तो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये देखो। इसको एनिमेशन हो गई इसमें ऐड। अब चलिए एनिमेशन तो हो गई, एक बबल बन गया। अब यहाँ पे चलो दूसरा बबल बनाना है, बबल nth चाइल्ड
नंबर दो लिख दो, तो इसको खुद पता चल जाएगा। ये तब काम करेगा अगर आपने स्पैन टैग लिए हुए हैं साथ में। पहले इसकी पोजीशन रिलेटिव रहेगी, और अब मैं जहाँ पे प्रॉपर्टी एक ऐड करूंगी जूम की, जूम करना है इतना कर देते हैं 45। उसके बाद जूम हो गया, दूसरा हमने बनाना है इसको अगर लेफ्ट से कर दे -10 पिक्सल, नजर आ नहीं रहा दूसरा। इसमें टॉप से करके देखे -100 पिक्सल, जिसके बीच ही बनेगा। हमने बनाना है दूसरा बबल, तो इसको यहाँ पे ही छोड़ के बिफोर प्रॉपर्टी लगा देते हैं। इसके साथ ये बन जाएगा, तो कंटेंट इसका रख दो ब्लैंक, पोजीशन इसकी रहेगी एब्सोल्यूट। बिफोर प्रॉपर्टी होती है, हमने HTML के बजाय डायरेक्ट इधर कोई कंटेंट ऐड करना है, तो मैंने इसको मल्टीपल बबल्स बनाने हैं, मैं बिफोर प्रॉपर्टी के साथ बना दूंगी इसको। पहले इसका बैकग्राउंड रखो, वाइट बैकग्राउंड चाहिए, अभी नजर नहीं आएगा। पहले हाइट विड्थ रख देते हैं, छोटा सा बनाएंगे, पहले हमने बहुत बड़ा बनाया है, अब बहुत छोटा बनाएंगे, इतना रख देते हैं। हाइट और विड्थ दोनों सेम, बैकग्राउंड कलर भी रख दिए, लेकिन नजर, अच्छा जहां पे बबल आएगा वो देखो एक आ गया, और इसका बॉर्डर रेडियस कर दो 50% कर दो, तो ये सर्कल बन जाएगा। और फिल्टर करना है, हम इसमें ब्लर प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको ब्लर कर दो 2 पिक्सल के साथ, तो वो देखो ऐसा दिखेगा। इसको उठा के हम इसके बीच लगा देंगे, फिर देखते हैं क्या इफेक्ट बनेगा। अभी हमने बिफोर प्रॉपर्टी लगाई है, सेम ऐसे ही हम इसका आफ्टर भी बना देंगे, बबल आफ्टर कंटेंट पोजीशन इसकी रहेगी एब्सोल्यूट, और पहले इसको हम मूव कर दें, इसको थोड़ा सा मूव करना है, टॉप से करो मूव 80 पिक्सल कर देते हैं, टॉप से एंड लेफ्ट से मूव करेंगे, चेक कर लेते हैं किधर जाएगा ये। हमने इसको इस बबल के बीच लेके आना है, अब देखो सेंटर में आ गया, तो परफेक्ट है, एक बबल का लुक आनी चाहिए, उसके बीच ऐसे एक छोटा सा बबल होता है। चलिए इसका काम हो गया खत्म, अब यहाँ पे चलो आफ्टर वाली पे, आफ्टर वाली का बैकग्राउंड सेम रखेंगे, जी वाला ही, हाइट विड्थ 30 कर देते हैं, 30 पिक्सल विड्थ, 30 पिक्सल, तो ये दूसरा बन गया। बॉर्डर रेडियस 50%, फिल्टर लगाओ ब्लर का, ब्लर करना है सेम 2 पिक्सल के साथ कर दो, ये भी हो गया ब्लर, इसको भी मूव कर दो, टॉप से मूव करना है एक, तो एक लेफ्ट से मूव करना है, तो ये भी इसके बीच आ जाएगा, लेकिन जिधर पहला बबल है उसके ऊपर नहीं लगाना, इसको थोड़ा सा इधर उधर लगाओ, इधर ओके है, ठीक है। अब देखो बबल की लुक आने लग गई है, इसको अगर मैं जेड इंडेक्स लिख दूं 10, ये बाद में लिखेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, फिलहाल इसको स्किप करो। अब हम चलते हैं
हमने अब इसके चाइल्ड बनाने हैं। ये बनाया था हमने इसका चाइल्ड। दूसरा इसको हम कर रहे, जहां पे भी बबल आएगा स्पेलिंग मिस्टेक है, चाइल्ड भी बना नहीं ना बबल। और दूसरा चाइल्ड हमने बनाना है, इसको लेफ्ट से मूव कर दिया इस एनिमेशन। एनिमेशन हम डिले करेंगे -4 सेकंड का। अभी नहीं नजर आया, मतलब हमें जहां पे जाना पड़ेगा। जहां पे जो हमने बबल के बीच स्पैन टैग लिया हुआ है उसकी पोजीशन रखो एब्सोल्यूट। सबका बॉर्डर रेडियस 50% कर दो, जितने भी स्पैन टैग होंगे ठीक है, तो वो बबल अपने आप बन जाएंगे। अब देखो बबल के बीच जो स्पैन टैग है उसका हमने एंथ चाइल्ड बनाना है। अब वो बन जाएगा। एंथ चाइल्ड पहला बनाओ, इसमें इनसेट लगाओ, मतलब 10 पिक्सल। बॉर्डर हमने सिर्फ लेफ्ट पे लगाना है। अब देखो इसकी लुक क्या आएगी। बॉर्डर का कलर लिख दो, जे वाला कलर लिखो, बॉर्डर वाला कलर है जी FB4 और FF। सिर्फ लेफ्ट पे लगाया है। अब देखो जी आ गया ठीक है। और इसको फिल्टर कर दो, ब्लर कर दो इसको। आठ पिक्सल ये रख दिया जी। देखो अब बॉर्डर की तरह आ गया, बिल्कुल बबल की तरह। ओके अब अगर इसको हम कॉपी कर लें, कॉपी कर देते हैं कॉपी, जहां पे हमने बनाना है सेकंड, दूसरा बबल बनाना है तो हमें प्रॉपर्टी दूसरा किधर बनाई, इसको कर देते हैं इंसर्ट, तो सेम रहेगा। बॉर्डर राइट कर दो, पहले हमने लेफ्ट पे लगाया था। अब ये देखो बॉर्डर की हो गया, बॉर्डर की तरह आ गया। अब तीसरा बना दे सेम ऐसे ही। कितने बनानी है पहले तीसरा बना देते हैं इनसेट। अब जहां पे 20 पिक्सल कर दो, ये देखो तीसरा इसके बीच आ गया कर। और इनसाइड 20 पिक्सल बॉर्डर टॉप पे लगाओ। ये जस्ट पहला बबल बन रहा है ठीक है, तो टॉप से हमने इसको लगाना है। अब मैं जहां पर मल्टीपल कलर ऐड कर रही हूँ ठीक है, एक कलर हम लगाएंगे यहाँ पे, चलो पहले दूसरा कलर ऐड करो। ये कर देते हैं 4 4 8 4, ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो। अब देखो दूसरा कलर आ गया, तीसरा हमने लगाना है ये वाला, लगा देते हैं EB और 3B, ये येलो सा कलर है। अब देखो परफेक्ट लग रहा है ना बबल, जैसे हमारा वो सोप बबल है ना, बेसिकली ये वो कंसेप्ट है। सोप पे बहुत सारे कलर होते हैं, आप बबल बना के देखना, मल्टीपल कलर्स उसमें इफेक्ट आता है। तो हमारा बबल बस ऑलमोस्ट रेडी ही है। कॉपी पेस्ट करो, जहां पे लिखो फोर्थ, फोर्थ बनाना है तो इसका कलर हम कर देते हैं चेंज। फोर्थ पे कलर लगाएंगे, पिंक वाला लगा देते हैं, ये वाला कलर हो गया। इसको कर दो 30 पिक्सल।
और इसकी वैल्यू थोड़ी और कर दो। ये जहां पे ऐड आ गया, ठीक है, जितने आप इसमें बबल बनाते जाएंगे उतना ही ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, उतनी ही ज्यादा इसकी लुक परफेक्ट बबल की तरह नजर आती रहेगी। ठीक है, फोर्थ हो गया, अब हम फिफ्थ लगाएंगे। फिफ्थ पे कलर हम वाइट लगाएंगे, यहाँ पे लगा दो वाइट कलर। ब्लर करना है, 8 पिक्सल काफी है, इसको 10 पिक्सल रहने दो। अब इसका बहुत काम है, इसको आप आउटसेट कर दो। आउटसेट वैसे यहाँ पे है नहीं, लेकिन इसके साथ क्या होगा, यहाँ पर बीच में बन रहा है तो आउटसेट होता है तो वो बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है, जो भी बबल से बनाएंगे वो बाहर की तरफ बनेगा, लेकिन उसको हम लगाते हैं बॉक्स शेडो के साथ, इसीलिए ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। फिल्टर भी लगा दिया, ये भी हो गया। अब देखो इसको ट्रांसफॉर्म, एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, रोटेट करना है, इतना कर दो तो वो नीचे की तरफ बन जाएगा। ठीक है, हो गया बबल रेडी। अब एक बबल बन चुका है, अब चलो HTML में बाकी बबल बनाने हैं। जहां से कॉपी करो इसको, जहां से स्टार्ट यहां पे खत्म, कॉपी पेस्ट, बस ओके है। रिफ्रेश, ये दूसरा बबल आ गया, ये दिख रहा है बीच में, दो तीन चार पांच, तो सारे के सारे बबल्स यहाँ पे बन गए। ठीक है, अब हमने इसको सेट करना है थोड़ा सा, जो हमने पहले कोडिंग लिखी थी ना यहाँ पे, इधर मैंने बबल टू बनाया था, ये वाला, इसको हमने बबल टू है, इसके पोजीशन हम यही रखेंगे, लेफ्ट से थोड़ा सा मूव कर दिया है, इसको कॉपी करो, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे बनाओ तीसरा, तीसरे पे पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगी, जूम कर दो थोड़ा सा, यहाँ पे आएगा जूम, जूम की वैल्यू कम कर दो। लेफ्ट से इसको रहने दो, इसको करो राइट से -80 पिक्सल कर दो, थोड़ी सी पोजीशन इधर उधर करनी है इसकी बस, तो टॉप से इसको और इंक्रीज कर दो। एनिमेशन डिले 6 सेकंड कर दो। अब देखते हैं, तो ये देखो इधर आ गया, ठीक है, ये इधर आ गया, आपने बस इनको सेट करना है। तीन, अब है बारी है फोर्थ की, फोर्थ को हम जूम कर देते हैं, 35 लिख दो, वैल्यू चेंज करनी है बस। राइट से हम इसको कर देंगे, राइट से मूव करना है, माइनस में कर देते हैं 120 पिक्सल, और टॉप से -200 पिक्सल, तो वो अपने आप इधर उधर घूमते रहेंगे, कोई भी रख दो वैल्यू, जरूरी नहीं यही रखनी। ये देखो हो गए 3 बबल्स और 4 हो गए। फिर तो बना के देखते हैं, वैसे हमने 4 स्पैन टैग लिए हैं, आपने और बबल्स बनानी है। फिफ्थ है क्या, देख रहे थे कौन सा है, फिफ्थ है, तो इसको राइट से हम कर देते हैं 200, यहाँ पे 8 कर दो, ये आ गया यहाँ पे। चलो यहाँ पे 4 स्पैन टैग लिखे हुए हैं ना, हम इसको 5 कर देते हैं, 4 बबल्स हैं, अब 5 आने चाहिए, आई नहीं, यहाँ पे भी 5 करो, पांच किधर गया, फिफ्थ,
टॉप से 400। अच्छा ये मूव हो रहा है, ठीक है। और कितने हमने डिब लिए हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच डिब है। एक, दो, तीन, चार, पांच। बबल्स आपने इंक्रीज करने हैं, वो जहां से ही होने हैं, इधर से ही होने हैं। यहाँ पे सिक्स से लिखते हैं, लेफ्ट, इसको लेफ्ट से 200 कर देते हैं। अब ये नजर नहीं आ रहा, टॉप से इसको कर देते हैं, राइट से करके देखें। बबल से इनक्रीज होनी चाहिए। और साथ में इसको भी इनक्रीज कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, ये बन गए, ठीक है। इसको साथ साथ में हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इसको एक तो बन गया, ये जो अभी मैंने ऐड किया है इसकी कोडिंग हमें करनी पड़ेगी। एक तो अगर आपने इंक्रीज करने है बबल से, इसको आपने इंक्रीज करना है ऊपर से, इसके चाइल्ड बनाने हैं। चाइल्ड आपने स्पैन वाले नहीं बनाने, जो स्पैन वाले चाइल्ड है वो है इसके बीच वाले, जो कलर्स हमने मेंशन किए हैं, ठीक है। वो सिर्फ कलर के लिए है, याद रखना। बबल से इंक्रीज करनी है तो आपने nth चाइल्ड बनानी है बबल के, ना कि स्पैन टैग के। यहाँ पे शेप बनाई है, कॉपी कर लेते हैं। सेवंथ, इसकी वैल्यू से इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो। यहाँ पे 300 कर देते हैं। पांच है, वो बन गया, ठीक है। बस ऐसे ही आपने इंक्रीज करते रहना है, तो वो कहीं ना कहीं जाके ऐड हो जाएंगे। बस जहां भी आप इंक्रीज करते रहो, वैल्यूज इंक्रीज करते रहो, जहां पर ये इंक्रीज करते रहो, तो आपके सारे बबल्स बन जाएंगे। लेफ्ट राइट आपने पोजीशन सेट करनी है, तो कोई बबल जहां पे बना दो, कोई बबल जहां पे बना दो, इधर बना दो, इधर बना दो, तो वो ऐसा होगा कि पूरी स्क्रीन आपकी फुल हो जाएगी बबल के साथ। फिर आप अपनी जहाँ पे नेविगेशन ऐड कर दो, तो आपकी एनिमेटेड वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।